हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट चॉकलेट चिप्स विद चेरी कुकीज़। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी और ये क्रिस्पी के साथ साथ च्यूई भी है। आप देख सकते हैं पीछे से कितना क्रिस्पी इसका वो क्रंच आया है। और मैं आगे से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत सॉफ्ट बिना किसी आवाज़ के एकदम च्यूई तरीके से, ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये कुकीज़ बनी है और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बाउल में हम लेंगे 1 कप पाउडर शुगर। आप यहाँ पे इसके बदले ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं उसका पाउडर बना के। और मेरा जो कप का मेजरमेंट है वो है 200 ml का 1 कप। तो यहाँ मैंने 1 कप पाउडर शुगर ली है। अगर आप इसका ग्राम में मेजरमेंट लेना चाहें तो 120 ग्राम आप नाप के भी ले सकते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट घी। घी मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप और ग्राम में ये है 110 ग्राम। वन कप से ही लिक्विड आइटम का, घी और बटर का या फिर मैदा और चीनी का, सबका मेजरमेंट अलग होता है। इसलिए ऐसा ना सोचे कि अगर आपका चीनी का मेजरमेंट 1 कप का 120 ग्राम है तो घी का मेजरमेंट भी उतना ही होगा। घी के बदले आप यहाँ पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बस बटर को फ्रिज से 2-3 घंटे पहले निकाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से इसको फेंटने वाली हूँ, उससे ये जल्दी फिट जाता है। बाकी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क से भी इसको फेंट सकते हैं, उससे बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हमें तब तक फेंटना है कि ये फेंट के सारी चीनी घी में अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका और थोड़ा सा लाइट। तो ये देखिए 2 मिनट में ही ये फेंट के इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया है, कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट हो गया है। चुटकी भर सिर्फ ये पिंच मैं मिलाऊंगी इसमें नमक और इसको भी एक बार हम फेंट लेंगे ताकि नमक भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा फेंटने का काम ख़त्म हो चुका है। इसमें नेक्स्ट हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है सेम 200 ml के कप से, 1 कप प्लस 1/4 कप और ग्राम में ये है 150 ग्राम। ये देखिए चुटकी भर पिंच हम डालेंगे इसमें खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा। और इसमें अब हम मिलाएंगे वाइट चॉकलेट चिप्स। तो अगर आपके पास वाइट चॉकलेट चिप्स है तो आप उसको मिला सकते हैं, बनाना चाहें तो आप बना के भी मिला सकते हैं। और नहीं तो मैंने इस तरीके से ग्रेट किया है, कुछ पीस छोटे बड़े रखे हैं चाकू से कट करके और कुछ को मोटे वाला जो साइज़ होता है ग्रेट करने का उससे ग्रेट कर लिया है। उसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये 89 ग्राम है, 89 ग्राम, आप इसका 90 और 100 भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया है वाइट चॉकलेट ग्रेट करके। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे ये रेड चेरीज़। ये फ्रोज़न चेरीज़ हैं जो फ्रिज में किसी भी ग्रोसरी की शॉप में मिल जाती हैं। और हाँ, इस ब्लेंडर में जो भी घी लगा हुआ है उसको भी आप ले लें, इसको वेस्ट ना करें। और इन सबको अब हम करेंगे एक बार मिक्स। आप यहाँ पे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं और आप चाहें तो हैंड ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं।
पहले हम घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा दूध मिलाना होगा इस बैटर को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें मिलाने वाली हूँ वेनिला एसेंस के, यहाँ मैं ओसरो का वेनिला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, फ्रेंच वेनिला। आप चाहे तो लोकल भी जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट एसेंस आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने लिया है यहाँ पे दूध, पर आप एक साथ 1/4 कप मिक्स ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि बैटर आपका एकदम से ही गीला हो जाए। और अब जब ये बैटर मैंने रेडी कर लिया है तो मैंने यहाँ पे ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखा है। यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा और गीला चाहिए, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस तरीके से चिपक रहा है, हमें थोड़ा सा और गीला चाहिए, 1 टेबल स्पून और। हमें यहाँ पे इसका शेप बना के नहीं डालना है, हम बस इसको इस तरीके से लेंगे और कैसे भी ये ड्रॉप में इस तरीके से डाल देंगे, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट आटा चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी है, अब इसको हम लगाएंगे बेकिंग ट्रे में। तो यहाँ पे मैंने ओवन का जो ट्रे है उस पर बेकिंग पेपर लगाया है, पर अगर आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो आप इस ट्रे को घी से, हाथ में थोड़ा सा घी लगाएं, उससे ग्रीस कर ले ताकि हमारे कुकीज़ नीचे चिपकेंगे नहीं। और बेकिंग पेपर का फ़ायदा एक ये भी है कि हमारा ट्रे जो है वो ख़राब नहीं होता है, उसको धोते टाइम उसमें स्क्रैच ये सब नहीं आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इतने छोटे छोटे से ये ड्रॉप टाइप में इस तरीके से उठाऊंगी और इस तरीके से बस हमें रख देना है। इसको हम थोड़ा सा गैप दे दे के रखेंगे क्योंकि ये बाद में फूल के फ्लैट हो जाता है, तो इसका साइज़ आप अगर बड़ा लेंगे बॉल का तो ये कुकीज़ आपके बड़े बनेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा ही साइज़ लें। यहाँ पे मेरा जो ट्रे है वो बड़े साइज़ का है, इसलिए एक ही बार में सारे जो डो था हमारे उसकी कुकीज़ इसमें आ गई हैं। अगर आपके एक बार में नहीं आती है तो आप वो थोड़ा सा बैटर ढक के रख दे, ये वाला राउंड पूरा होने के बाद जब 5 मिनट बाद आप ये कुकीज़ हटाएंगे उसके बाद आप वो नेक्स्ट बैच फिर से बेक कर ले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको किसी शेप में नहीं रखा है, बस ड्रॉप में इस तरीके से डाल दिया है। अब मैं इसको सेम 180 डिग्री पे ही 15 मिनट के लिए बेक करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बेक हुआ है। ये देखिए 15 मिनट में कुकीज़ हमारे सिक के अच्छे से तैयार हो गए। मैंने आपको बताया था कि इसको पास पास ना रखें या कि जिसका साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है तो ये आपस में इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो अब ये इसको 5 मिनट हो चुका है और इस वजह से ये ट्रे से निकल गया, आप देख सकते हैं पीछे इतनी अच्छी जाली बनी है। और ये कुकीज़ मैं अभी आपको तोड़ के नहीं दिखा रही हूँ, ये बहुत ही च्यूई है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वाइट चॉकलेट चिप्स विद चेरी कुकीज़ पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। एसेंस इसमें अगर अच्छा ब्रांड का मिला होता है तो सच में उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।